नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना महामारी के चलते 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। देश भर में पूरे मंदिर और धार्मिक स्थल बंद पड़े थे। सोमवार को यानी 8 जून आज के दिन धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। वहीं हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद के प्राचीन दुर्गा मंदिर की, जहां भक्तों को दर्शन के लिए अजीबोगरीब तैयारियां की गई है। यहां सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को रस्सियों से जकड़ा है ताकि कोई भी भक्त गलती से मूर्तियों को ना छू पाए। मंदिर के पुजारी महावीर प्रसाद और दुर्गा मंदिर कमेटी के फतेहाबाद के सचिव कुशल चराईपोत्रा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार को भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां कल से ही कर दी गई थी। मंदिर में भगवान की मूर्तियों को रस्सियों से जकड़ के रखने के पीछे एक वजह बताते हुए सचिव ने बताया कि गलती से कोई भी व्यक्ति मंदिर में मूर्तियों को न छू पाए और न ही ऐसी चीज को छुए जिससे कोरोना फैलने का खतरा पैदा हो जाए। इसलिए सभी मूर्तियों को रस्सियों से बांध दिया गया है ताकि भक्त एक निश्चित दूरी बनाए रखें। कमेटी के सचिव ने मंदिर में घंटी बजाने पर रोक लगा दी है। प्रसाद चढ़ाने और वितरण पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा हाथ धोने के बाद ही मंदिर में भक्तों की एंट्री हो पाएगी। वहीं कोई भी व्यक्ति यदि गलती से बिना मास्क के मंदिर में एंट्री करता है तो मंदिर की कमेटी की ओर से अतिरिक्त मास्क भी मंदिर में रखवाए गए हैं। मंदिर के पुजारी और सचिव ने बताया कि मंदिर को सैनिटाइज किया गया है। इसके साथ साथ भक्तों से भी अपील की जा रही है कि सरकार के नियमों के मुताबिक मंदिर में प्रवेश करें और भगवान के दर्शन करके सुरक्षित वापस लौटें। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। भक्तों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हैं, जैसे सैनिटाइजर का है, ये जो थोड़ा सा हमारे दूरदारी का भी है, उचित दूरी बनाने के लिए हमने बैनर भी लगाए रखे हैं और सारी चीज़ की मतलब व्यवस्था हमने करी रखी है। बाकी ये बीच में डंडे भी लगा रखे हैं और ये बाकी रस्सियाँ भी इधर भी हैं उधर भी हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं। और जो इधर हमने शिवालय का है वो भी हमने बंद कर रखा है, शिव में जलाभिषेक नहीं हो पाएगा, चढ़ाव का नहीं होगा, ऐसी चीज़ें मतलब कई चीज़ें हैं जो हमने उचित हिसाब किताब बना रखा है। तो लोग प्रसाद ले जाएंगे उनको किस किस प्रकार से चढ़ाएंगे? देखो जी, अब जो सभा का नियम है जो वहाँ से बता रखा है और जो हमारे ऊपर से भी जो आदेश आए हैं उसके अनुसार ही काम करेंगे। उनको विदाई देनी पड़ेगी हाथ जोड़ करके, वही कि नहीं चढ़ पाएगा। तो मास्क लगा गया है? मास्क तो हमने जरूरी कर रखा है, सब जो लगा रखा है और बना भी रखा है हमने कि भाई मास्क लगा करके ही आना है और हाथ धो करके ही आना है, वो हमने लगा रखा है। इसलिए आगे भी हमने गेट लगा रखा है और उसको वहाँ से हाथ धो करके तब अंदर प्रवेश करना है। हम एक आदमी बैठा भी देंगे, हमारा एक सेवादार है वो वहाँ बैठा रहेगा। हमने पूरी व्यवस्था की हुई है, हमने सारी व्यवस्था वैसे कर रखी है उचित हिसाब से। बाकी जैसे जैसे थोड़ा सा दिमाग में जो बैठेगा हम उसके अनुसार फिर कार्य करेंगे। क्या नाम और कौन सा मंदिर है? ये दुर्गा मंदिर है जी टी रोड पे। नाम वो क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद। सरकार के जो भी आदेश है सरकार के नियम अनुसार उनसे हिसाब से चला जाएगा कि जो भी है मतलब हाथ वगैरह साबुन से धो के फिर अंदर जाया जाएगा, 2 गज की दूरी बना कर रखेगा, रस नहीं इकट्ठा किया जाएगा, प्रसाद नहीं बांटा जाएगा, किसी चीज़ को नहीं छुआ जाएगा, जूते वगैरह जो भी हैं अपने गाड़ी में उतार के हैं या अपने हाथ से उठा के जूता घर में रखे हैं, मास्क वगैरह लगा के अंदर, बिना मास्क के अंदर, या फिर किसी के पास मास्क नहीं है तो मंदिर की तरफ से मास्क को दे के फिर अंदर जाया जाएगा। किसी भी मूर्ति वगैरह को हाथ नीचे नहीं छुआ जाएगा, तेल वगैरह प्रसाद सब बना है कोई नहीं चढ़ाया जाएगा। तो किस प्रकार से आपने प्रबंध किया? रस्सियाँ वगैरह लगा के, सारी रस्सियाँ लगा के हमने उसको दूर दूर किया है कि मंदिर की कोई छू ना सके अंदर जाके। बाहर से ही पहले हाथ वगैरह धोने के लिए साबुन और डिटॉल वगैरह रखा गया है, सैनिटाइजर मंदिर को किया गया सारा,
उसके बाद हाथ धो के फिर एंट्री होगी अंदर, एंट्री जाके फिर 2 गज या 4 गज की दूरी पे जो भी है वो खड़ा किया जाए, सरकार के अनुसार जो भी नियम होंगे पूरे किए जाएंगे। क्या नाम है जी? कुशल राय पत्रा, सेक्टरी दुर्गा मंदिर सेवा, फतेहाबाद।